व्हाट्स अप गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रो इंटेलिजेंस के बारे में कि ये माइक्रो इंटेलिजेंस है क्या और किस किस डिवाइस के अंदर ये माइक्रो इंटेलिजेंस है, इसका काम क्या है और अगर इसके आपके फ़ोन में ये माइक्रो इंटेलिजेंस है तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहते हैं, इसके अंदर क्या क्या हिडन फीचर रहते हैं। वेल, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ शायद किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और हेल्पफुल होने वाला है जो चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और अगर आप एक बार जान जाओगे तो यार मज़ा ही आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ तो सबसे पहले आपको देखने के मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इंटेलिजेंस की। तो ये माइक्रो इंटेलिजेंस है क्या, आपको ये पहले समझाना होगा कि यह माइक्रो इंटेलिजेंस है क्या। तो सबसे पहले माइक्रो मतलब लिटिल मतलब थोड़ा, और इंटेलिजेंस का मतलब तो आपको पता ही है बुद्धि। तो यह थोड़ा लिटिल लिटिल बुद्धि यानी थोड़ा बुद्धि मिक्स करके आपको एक ऑप्शन दिया गया है आपके फ़ोन के अंदर जिसका नाम है माइक्रो इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें हैं मतलब कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि म्यूजिक जेस्टर, और उसके बाद हो गया टेक 3 finger 2 स्क्रीनशॉट, और उसके साथ साथ फेस अनलॉक, नहीं इसके अंदर फेस अनलॉक नहीं है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस फ़ोन के अंदर आपको ये माइक्रो इंटेलिजेंस देखने को मिलता है और इसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हो माइक्रो इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो माइक्रो इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, आपको टेक्नो फ़ोन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे टेक्नो 1000 से ख़रीदो या फिर 50,000 से ख़रीदो, ये कोई मैटर नहीं है, बट आपको टेक्नो फ़ोन के अंदर ये देखने को मिलेगा कि माइक्रो इंटेलिजेंस एक ऑप्शन है। आप जब अपने फ़ोन के सेटिंग्स पर और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा माइक्रो इंटेलिजेंस, तो आप अगर उस पर जाओगे तो उस पर आपको उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि म्यूजिक जेस्टर, टेक फिंगरप्रिंट, उसके बाद क्या कहते हैं म्यूजिक जेस्टर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो माइक्रो इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे कलेक्ट कर चुका हूँ, और माइक्रो इंटेलिजेंस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ड्यूल क्लिक टू ब्रॉडकास्ट आपको देखने को मिलते हैं। सो गाइस, माइक्रो इंटेलिजेंस के अंदर 2-3 फीचर्स आपको कॉमन देखने को मिलेगा सारे डिवाइस के अंदर, मतलब आप टेक्नो कैमरा नाइन खरीदो या फिर टेक्नो कैमरा नाइन ट्विन या फिर टेक्नो पैंथम, जो भी आप खरीदना चाहते हो या फिर खरीद चुके हो, तो वो सारे के सारे डिवाइस के अंदर आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगा माइक्रो इंटेलिजेंस के अंदर। आपको दो एक फीचर्स आपको एक कम या ज़्यादा देखने को मिले, बट ज़्यादातर फ़ोन में आपको सेम ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रो इंटेलिजेंस के अंदर आपको मिलते हैं टेक फिंगरप्रिंट विथ 3 fingers। तो सबसे पहले ये नीचे मेरा लिखा हुआ है, उस पर देख के मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेक फिंगरप्रिंट विथ 3 fingers, ओके, उसके अंदर आपको माइक्रो इंटेलिजेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको है यहाँ पे ड्यूल क्लिक टू ब्रॉडकास्ट। बेसिकली ड्यूल क्लिक टू ब्रॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ड्यूल क्लिक टू ब्रॉडकास्ट है क्या। बेसिकली अगर आपका फ़ोन मतलब आपका फ़ोन का स्क्रीन जो है लॉक रहते हैं, तो इसी टाइम पे आप स्क्रीन पर ड्यूल टैप करते ही आपकी मतलब जो भी टाइम है वो आपको बता देगा आपके फ़ोन, ओके। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 100 मोड, ओके 100 मोड। बेसिकली ये आपको टेक्नो कैमन आई इस फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा जो हाई प्राइस है या फिर जो लेटेस्ट फ़ोन है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, टेक्नो कैमन आई में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। हो सकते हैं आई ये in 5 है, in 2 in 3 इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बट जो भी लेटेस्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि टेक्नो के मैंने ट्विन और वगैरह वगैरह चीज़ आपको पता होगा। अगर आपके फ़ोन में है तो आप इसे यूज़ करो 100 मोड। 100 मोड को कैसे यूज़ करना है वो तो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो आप आई बटन में देख सकते हो, और उसके बाद इन्जॉय करो। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है टाउन साइलेंस। अगर आपके फ़ोन में मतलब अलार्म बजते हैं या फिर किसी ने कॉल किया हो उस टाइम पे, आप मीटिंग में हो या फिर कॉलेज में हो, उस टाइम पे आप साउंड नहीं
मतलब साउंड क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में आप अपने फ़ोन को घुमा दो और आपका फ़ोन साइलेंस हो जाएगा। ये है टर्न साइलेंस का मतलब और टर्न साइलेंस का फैसिलिटीज, जो भी कहो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने आपको बता दिया। ओके, और उसके बाद क्या है वो, कुछ भी नहीं यार, म्यूजिक जेस्टर तो है ही, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि म्यूजिक जेस्टर है। तो यार माइक्रो इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो इंटेलिजेंस है क्या और ये किस तरह से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या हिडन फीचर्स हैं। हो सकता है आपके फ़ोन में दो एक फीचर्स ना हो और हो भी सकता है कि आपके फ़ोन में दो एक फीचर्स ज़्यादा हो, बट मेरे पास जो है, मतलब मेरे पास जो फ़ोन है या फिर कोई कह सकते हो मैंने जो हिडन सेटिंग्स यूज़ किया वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसीलिए दो एक फीचर्स गुम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप लोग माइंड मत करना। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने का तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।